संस्कारों को जो अशुद्ध पवित्र बुरे संस्कार मन में है उनों को आत्म स्थिति से परिवर्तन कर। छोटी उदाहरण ऐसी का, आप सब टी पीते हो, टी काफी कुछ ना कुछ पीते हो, पर दादी आपको विशेष टी पिलाती। पियेंगे टी? पिलाऊं? आप पिलाएंगे? सुनो, प्योरिटी पियेंगे टी, रॉयल टी। कितने साइंटिस्ट रॉयल हो चे रॉयल टी। तीसरी रियल टी पियो, पियो रियल टी, रियल टी पियो। ऑनेस्टी कितनी अच्छी टी है, ऑनेस्टी। यूनिटी, फिर आओ, अनेक टी है, यूनिटी। डिविनिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अरे टी पियो, टी पियो। और अति खुश मौज में आ जाओ, टी पीते हैं फ्रेश हो जाएगा। तो रोज ऐसी ऐसी रॉयल टी पियो। आप सभी टी, टी के तो बहुत वर्ड है, पर दादी तो दो चार बोला। तो सबसे मूल टी है प्योरिटी, रियलिटी। इसमें आपकी कितनी रॉयल्टी हो जाएंगी वो आप खुद भी आप सोच सकते। तो हमें आप सबसे आशा है कि अगर आज हमारे देश के आप इतने बड़े कार्यकर्ताएं, इंजीनियर, साइंटिस्ट इस बात को जीवन में प्रैक्टिकल लाओ और वो अनुभव औरों को भी सिखाओ सुनाओ, तो आज देश में जो ये क्रोध की अग्न जलती रहती वह शांत हो जाए। लोग तो क्या ये शब्द है आतंकवाद, पता नहीं क्या ये आज भारत में शब्द आया है। हमें उसे परे जाके आतंकवादी बनो, आतंकवादी बनो, आतंकवादी नहीं पर आतंकवादी बनो, तो आपकी महानता अभी विश्व में गायन योग्य हो जाए। और आप एक एक अपने अपने कार्य में, दफ्तर में, साथियों में, परिवार में, समाज में और अपने अड़ोसी पड़ोसी देश के सबको प्रेरणा दो कि अब समय है इन विषय भोगों को छोड़, हमें भगवान के साथ सच्ची प्रीत जोड़ने।
Thank you.